अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां संजय गांधी अस्पताल परिसर का गेट अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। यहां स्टैंड में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा आए दिन परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है। हाँ, तो तब हो जाती है जब दर्जनों गुंडे छोटी सी बात पर परिजनों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। कहने को तो अस्पताल में चौकी है और सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन इन गुंडों पर किसी का बस नहीं है। दरअसल बुधवार को बाइक सवार युवकों के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, जिसकी खबर विराट 24 के द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद अमहैया थाना प्रभारी ने स्वयं संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि छोटी छोटी बातों पर ठेकेदार के गुर्गे मारपीट करते हैं। अगर यह कहें कि यह स्टैंड अपराधियों की शरण स्थली है तो कोई अतिसंयोक्ति नहीं होगी। आप भी देखिए वीडियो और सुनिए थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने क्या कहा है। फालतू गाली दे रहे, देखे तीन चार दिन से गाली दे रहा। गाड़ी लगाने का कहा है, अगर ये गाड़ी सही जगह नहीं लगा रहे हाँ। ये पार्किंग को लेके संजय गांधी में एक वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं की है। मामले की पूरी जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी इस पर। पार्किंग वालों का कहना है कि लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी ना करके बाहर खड़ी करते हैं और उनको अंदर खड़ी करने के कहने पर वाद विवाद की स्थिति बनती है। इसका भी निराकरण किया जाएगा, जिससे आए दिन ऐसी स्थिति ना बने। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।